नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों को। विगत 7 सालों बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण किया जा रहा है, जिसमें रांची स्थित चंद्रशेखर वार्ड 69-16 साल बाद सामान्य वार्ड घोषित किया गया। इसके पहले 16 साल तक चंद्रशेखर वार्ड OBC महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया था। वही सामान्य वार्ड होने के बाद चंद्रशेखर वार्ड के सिख समुदाय के विभिन्न संस्थाओं ने एकत्रित होकर बैठक आयोजित करते हुए एक राय होते हुए आगामी पार्षद चुनाव को लेकर सिख समुदाय का पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों में की गई है। जहां सिख समुदाय में प्रिंस भसीन ने कहा कि लंबे समय से बाद चंद्रशेखर वार्ड सम्मान हुआ है। वही वार्ड में सिख समुदाय 40% है, जिसको लेकर सिख समुदाय ने एकत्र होकर विभिन्न राजनीतिक दलों में मांग की है कि उन्हें आगामी चुनाव में पार्षद प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे सिख समुदाय का जनप्रतिनिधि बनकर वार्ड की जनता की ईमानदारी से सेवा कर सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हम श्री गुरु सिंह सभा एवं उसके तत्वाविधान में जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ संबंधित हैं, जैसे पंजाब एजुकेशन सोसाइटी, स्त्री सत्संग, निर्भय निर्वैन एवं गुरु रामदास सेवा समिति, सभी हमारे साथ है। सबके प्रतिनिधियों को लेकर आज हम एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ये हमने निर्णय किया है कि चंद्रशेखर वार्ड में जैसे ही नगर निगम का चुनाव हुआ है, होने जा रहे हैं, उनमें हम 40% आबादी रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक कोई ना कोई प्रतिनिधि सरदारों के रूप में नगर निगम में उपस्थित हो। हम आशा करते हैं, चाहे वो BJP दल हो चाहे कांग्रेस दल हो, उनसे आशा करते हैं कि हमारे एक सरदार जी को, किसी भी सिख पुरुष को एक टिकट देने का कष्ट करेंगे। और हम आशा करते हैं आपसे कि हम पूरा सहयोग देंगे। जिसको भी आप प्रतिनिधित्व देंगे, पूरा समाज उसका साथ देगा। आज हम आशा करते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों से, अपने विधायक साहब से, सांसद साहब से सबसे आशा करते हैं कि हमको ये मौका देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। गुरदीप सिंह, मैं यहाँ का सरपरस्त मेंबर हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संरक्षक। आज हमने नगर निगम चुनाव में चंद्रशेखर आजाद वार्ड 69 से सिख प्रतिनिधित्व बाबत हमने मांग रखी है। और ये मांग इसलिए आज रखी है क्योंकि आज 15-16 साल बाद आज हम लोगों को मौका मिला, जब ये अनारक्षित हो गई। पहले आरक्षित होती थी, महिला थी, OBC थी, अब ये फ्री होल्ड हुई है और पुरुष हुई है। तो इसलिए आज हम लोगों ने अपनी ये मांग रखी है। और चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में हमारी सिखों की आबादी 40% आबादी है, और जिस कारण से हमने ये मांग उठाई है कि इस 40% का हमारी कोई भी मांग है, सुनवाई है, समस्या है, उन सब का हमारे हल करने के लिए प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारे सिख समाज से एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में मौका दिया जाए। और दोनों हम सभी पार्टियों से मांग करेंगे कि जो जिसको आप लायक समझो और जिसको भी वो टिकट देते हैं, पूरा समाज एकजुट होकर तन मन धन के साथ उसके साथ लगा रहेगा और उसको विजयश्री दिलाएगा। किस प्रकार से ये क्या ज्ञापन के माध्यम से दिया जाएगा, पत्र स्टार्ट किया जाएगा? आज हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, श्री गुरु, हमारी जो संस्थाएं थी, श्री गुरु सिंह सभा, गुरु रामदास सेवा समिति, पंजाब एजुकेशन सोसाइटी, स्त्री सत्संग सभा और निर्भय निर्वैर सेवक जत्था, इन सब से आज एकत्रित करके एक राय बनी है सबकी कि एक प्रत्याशी सिख प्रत्याशी के रूप में हमारा बीच से आना चाहिए। वो मांग हम करेंगे और उसके लिए कल से हम अपने लामबंद हो जाएंगे। हर पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि ये हमारी मांग है। नाम दमनीत सिंह, प्रिंस भसीन। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।